दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं HK Vitals की तरफ से आने वाले मल्टी विटामिन एंड फिश ऑयल की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HK Vitals की तरफ से आने वाले सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट मल्टी विटामिन के बारे में। सो हम जानेंगे क्यों है ये इतनी फेमस और क्यों ये इतनी पॉपुलर है Amazon और Flipkart पर, कि इसकी कई हज़ार डिलीवरीज डेली होती हैं और कई हज़ार इसके रिव्यूज डेली अपलोड होते हैं, अपडेट होते हैं वेबसाइट पर। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके प्राइस की। जिस प्राइस रेंज में ये मल्टी विटामिन आपको मिल जाती है, उस प्राइस रेंज में आपको किसी और ब्रांड के मल्टी विटामिन शायद नहीं मिलेगी। दोस्तों वैसे तो इसका जो प्राइस है वो 650 रुपीज़ MRP मेंशन्ड है इसके बोतल पर, बट ये आपको 350 से 390 के बीच में मिल जाती है इजीली Amazon और Flipkart पर। अब दोस्तों इसकी खास बात ये है कि आप इस मल्टी विटामिन टैबलेट्स को डेली यूज़ कर सकते हैं आफ्टर मील, और इसको डेली कंज्यूम करने से आपको जो भी विटामिन्स हमें डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट से नहीं मिल पाते हैं, जो हमारी डेली डाइट्स में हमें नहीं मिल पाते हैं, उसको ये पूरी तरह कंप्लीट करती है। दोस्तों अगर मैं HK Vitals के मल्टी विटामिन्स के बारे में बात करूं, तो कंपनी इसमें इसके पैक पर जो मेंशन करती है कि इसमें आपको मल्टी मिनरल अमीनो एसिड्स टॉरिन एंड जिनसिन एक्सट्रैक्ट टैबलेट्स मिलती हैं, जिसके थ्रू आप डेली एनर्जी, इम्यूनिटी और स्टेमिना अपना बिल्डअप कर सकते हैं। दोस्तों जो बोतल आप देख रहे हैं, इस बोतल में आपको 60 कोटेड टैबलेट्स मिलेंगी। दोस्तों अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाते हैं। दोस्तों इसकी इंग्रेडिएंट की लिस्ट आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाते हैं। दोस्तों HK Vitals की तरफ से मल्टी विटामिन्स भी टू टाइप्स में आती है। एक मल्टी विटामिन सिंपल आती है जो मेरे पास है, एक मल्टी विटामिन प्रोबायोटिक्स भी आती है जो डाइजेस्टिव और डाइजेशन के लिए काफ़ी बेहतर बताई जाती है। दोस्तों मल्टी विटामिन आप डेली रूटीन में अपने डाइट के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल या फिर आप जिम में ट्रेनिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल ग्रोथ के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके लिए मल्टी विटामिन जैसे सप्लीमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं और आप कोई सप्लीमेंट मल्टी विटामिन लेने की सोच रहे हैं, तो आप HK Vitals की इस बोतल को कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको जिस प्राइस रेंज पे 60 टैबलेट्स मिल जाती हैं, उस प्राइस रेंज में शायद ही आपको किसी और ब्रांड प्रोवाइड करेगा। तो फ्रेंड्स अब साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं HK Vitals की तरफ से आने वाले फिश ऑयल 1000 mg के बारे में। दोस्तों अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं और आप फिश कंज्यूम कर सकते हैं, तो आपके लिए ये HK Vitals की तरफ से फिश ऑयल 100 mg की 60 सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल HK Vitals आपको प्रोवाइड कर रहा है 350 रुपये के प्राइस में। दोस्तों वैसे तो इसका भी MRP 699 रुपीज़ यानी कि लगभग 700 रुपये के आसपास है, बट आपको ये Amazon और Flipkart पर 350 से 400 रुपये के बीच में ईजिली मिल जाएगी। और HK Vitals की तरफ से आने वाले इस फिश ऑयल की जो खास बात है वो है इसमें यूज़ किए हुए फिश ऑयल की। दोस्तों जो कंपनी मेंशन करती है कि इसमें जो फिश ऑयल यूज़ किया गया है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है कोल्ड वाटर फिश से, और ये फिश अटलांटिक और आर्टिक ओशंस की मानी जाती हैं। और दूसरी बात, कंपनी दावा करती है कि इस फिश ऑयल कैप्सूल को लेने के बाद ना ही फिशी टेस्ट आएगा और ना ही कोई डकारे आएंगी यानी कोई फिशी बर्ब्स आएंगे। दोस्तों ये जो फिश ऑयल है वो बेनिफिशियल है आपके जॉइंट्स, हार्ट और ब्रेन के लिए। जैसा कि हम जानते ही हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कितना इम्पोर्टेंट होता है डेली डाइट में, डेली रूटीन में, तो डेली फिश कंज्यूम करना इट इज़ नॉट अ इजी टास्क। तो उस बेसिस पे अगर आप डेली एक कैप्सूल आफ्टर मील लेंगे, सोते टाइम पे भी या नाइट को डिनर के बाद भी ले सकते हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिक्वायरमेंट पूरा कर देगी। तो इस HK Vitals की फ़िश ऑयल की खास बात है जो कंपनी भी मेंशन करती है, सबसे पहले चीज़ कि ये एक्सट्रैक्ट की गई है कोल्ड वाटर फिश से, और दूसरी नॉन GMO इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं, और ये कैप्सूल्स फ्री फ्रॉम हैवी मेटल्स होती है। दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसको पॉज करके देख सकते हैं।
सो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही कॉम्बिनेशन की, जैसे कि मैंने अभी बात करी थी मल्टी वाइटामिन की और फिश ऑयल की। तो इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को मैं पिछले 1.5 महीने से कंज्यूम कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी सब्सिक्वेंट चेंजेस अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ में महसूस किए हैं। अब फ्रेंड मैं इन दोनों प्रोडक्ट को किस तरीके से लेता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं मल्टी वाइटामिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद लेता हूँ और फिश ऑयल में डिनर के टाइम पर एक टैबलेट लेता हूँ। तो डेली मेरी एक टैबलेट मल्टी वाइटामिन मॉर्निंग में और फिश ऑयल कैप्सूल आफ्टर डिनर मेरी डेली की रहती है। इसका मुझे काफ़ी अच्छा और बेटर रिजल्ट फील हुआ है खुद पर और इसके बाद मेरी जिम में एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो गई है। सो फ्रेंड्स ये था मेरा खुद का ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट एच के वाइटल्स के फिश ऑयल और मल्टी वाइटामिन के बारे में। अब दोस्तों इनको एक बार बाय करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, हो सकता है आपको इन मल्टी वाइटामिन की ज़रूरत ना हो। सो अगर आपको ज़रूरत है तो आप इनको अपने डॉक्टर की सलाह से बाय करके कंज्यूम कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। सो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।